हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में। अभी तक हमने वेल्डिंग्स के ऊपर लेक्चर देख लिए हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने बात करी थी वेल्डिंग्स और उसके टाइप्स के बारे में, और साथ ही साथ जाना था रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग्स के बारे में। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग को एंड करते हुए अपसेट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग वगैरह के बारे में देखा था। अभी लेटेस्ट लास्ट वीडियो में हमने आर्क वेल्डिंग के ऊपर बात करी थी, आर्क वेल्डिंग और उसके टाइप्स पे। अब हम बात करने वाले हैं उसी के टाइप्स में आगे बढ़ते हुए कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग को स्टार्ट करें तो सबसे पहला पॉइंट, हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है? अ कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। सबसे पहला पॉइंट आपको पता चल गया कि कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का हम इस्तेमाल करते हैं। कार्बन आप जानते हैं एक ऐसा मटेरियल है जो थोड़ा भुसभुसा टाइप या पाउडर टाइप होता है, तो इसलिए जब हम कार्बन ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं तो अगर इसमें हम करंट का फ्लो करें तो ये बहुत जल्दी जल्दी गलेगा या खर्च होगा। तो हम कह सकते हैं हम ऐसे इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉन कंज्यूमेबल और कार्बन ग्रेफाइट हो। मीन्स द इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल। बहुत ज्यादा खर्च ना हो, मतलब ये इलेक्ट्रोड जल्दी जल्दी गले ना, ऐसे इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं। तो ग्रेफाइट मेटल का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। द इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। एक पॉइंट, दो पॉइंट। अब आप जानते हैं ज्यादातर वेल्डिंग्स में क्या बात करी गई थी कि जहां सप्लाई होगी वो किसके किसके बीच में होगी, एक इलेक्ट्रोड और एक वर्कपीस के बीच में। तो सेम अ सप्लाई इज बिटवीन किसके किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड, और किसके बीच में होती है, वर्कपीस। दो चीजों के बीच लगा दिए। तो आपको मैंने बताया था, अगर याद हो, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जब सप्लाई देते हैं तो मोस्टली ज्यादातर इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, निगेटिव, और वर्कपीस को क्या करते हैं, पॉजिटिव। तो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोड इज निगेटिव एंड वर्कपीस इज पॉजिटिव। वर्कपीस कैसा बनाते हैं, पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव अगर हमको देना है किसी भी चीज में तो सीधी सी बात है, उसके लिए एक कांस्टेंट सप्लाई देनी पड़ेगी। तो सप्लाई कैसी यूज होती है, इट ऑपरेट एट किस पे, डीसी सप्लाई पे, डीसी सप्लाई पे। इतनी चीजें अगर क्लियर हैं तो अब यहीं से समझिएगा थोड़ा सा पॉइंट। सबसे पहले वेल्डिंग्स के बारे में जिस समय स्टार्टिंग हुई तो वहां पे जो वेल्डिंग करी जाती थी
मतलब कि वो सबसे पुरानी वेल्डिंग कौन सी होती थी, कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज या एडवांटेज रहे होंगे जिसके कारण हमने इसका इस्तेमाल चालू किया, वो क्या थे। पहले हिस्से पे समझिएगा, कार्बन आर्क वेल्डिंग के लिए अगर एडवांटेज की बात करें तो इसमें डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है, लो डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है, इसको ऑपरेट करना इजी होता है, इजी टू ऑपरेट मतलब इसके लिए ऐसे प्रोसेसेस के लिए बहुत ज्यादा स्किल्ड लेवल ना भी हो तो भी आपका काम चल जाता है, लो कॉस्ट इक्विपमेंट और लो कॉस्ट ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन भी बहुत सस्ता होता है और इक्विपमेंट्स भी इसके बहुत सस्ते होते हैं। अगर इतनी एडवांटेज थी तो ये सक्सेस क्यों नहीं रहा, दूसरी चीज़ें क्यों खोजी गई, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। तो जानते हैं कमियों के बारे में, तो कुछ डिसएडवांटेज भी इसके हैं कि ये अनस्टेबल वेल्डिंग। तो कुछ डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है कि इसकी जो वेल्डिंग रही हो बहुत ज़्यादा मजबूत ना रही हो या अनस्टेबल हो, कि मतलब एकदम फिक्स रिलायबल ना हो कि हम करें और सटीक वैसे ही बने जैसा हम चाहते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहे होंगे जिसके कारण इसको हमने चेंज किया, बदला, इसकी जगह दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो पहला क्या हो गया, अनस्टेबल वेल्डिंग। दूसरा क्या हो गया, इसके जो कार्बन है, आप जानते हैं अगर कोई ग्रेफाइट की रॉड हो या कार्बन की रॉड हो तो वो कार्बन रॉड बहुत जल्दी कार्बाइड बनती है, तो ये भी कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर कंटामिनेट विथ कार्बाइड। इसमें कार्बाइड जो होते हैं, मतलब कि आपने देखा होगा कार्बन के ऊपर सफेद सफेद लेयर जम जाती है, तो ये प्रोसेस इसके अंदर बहुत तेजी से होता है, बहुत जल्दी होता है। एक बार फिर से सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। कार्बन आर्क वेल्डिंग में सबसे पहले कार्बन बर्न आ रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ कार्बन के इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो वो कार्बन इलेक्ट्रोड्स कैसे होते हैं, कार्बन ग्रेफाइट के बने होते हैं, कार्बन ग्रेफाइट के बने हुए इलेक्ट्रोड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होते हैं बहुत जल्दी जल्दी, मतलब कार्बन जनरली आप क्या जानते हैं कि कार्बन बहुत जल्दी गलता है या भुसभुसा होता है, तो इसलिए उससे बचने के लिए हम कैसा इस्तेमाल करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। सप्लाई, इसके बीच में जो सप्लाई दी जाती है कहाँ कहाँ दी जाती है, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में दी जाती है। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जब भी सप्लाई देते हैं तो आपने पहले ही पढ़ रखा है इलेक्ट्रोड को नेगेटिव और वर्कपीस को पॉजिटिव बनाते हैं। अगर इसको हमें फिक्स करना है तो सप्लाई कैसी होनी चाहिए, डीसी सप्लाई होनी चाहिए। अगर डीसी सप्लाई है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एडवांटेज और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होने चाहिए, जिसमें कि हमने कह दिया कि एडवांटेज के तौर पे लो डिस्टॉर्शन, इसमें डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है, इजी टू ऑपरेट, ऑपरेट करना इसको बहुत आसान है, लो कॉस्ट इक्विपमेंट, इसके इक्विपमेंट भी बहुत सस्ते हैं, लो कॉस्ट ऑपरेशन, इसके ऑपरेशन भी सस्ता है। लेकिन अगर इतना ही एडवांटेज था, अगर इतना ही एडवांटेज था तो ये बराबर यूज में क्यों नहीं रहा, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो डिसएडवांटेज भी होंगे, जो कि जैसे कि इसकी जो वेल्डिंग होती है वो अनस्टेबल होती है, बहुत फिक्स नहीं होती, बहुत मजबूत नहीं होती। तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रोड्स, इसके जो इलेक्ट्रोड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैसे, कार्बन ग्रेफाइट के, ये इलेक्ट्रोड्स बहुत जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी कार्बाइड पकड़ लेते हैं। तो अगर कार्बाइड्स पकड़ रहे हैं तो ये हमारे यूज़ के नहीं रह जाएंगे।
हमारी वेल्डिंग उतनी इफिशियंट नहीं आएगी, उतनी अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए ये भी इसके डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इतनी चीजें अगर क्लियर हो तो अब इसी के आगे कुछ और पॉइंट्स हैं। फिलर रॉड का इस्तेमाल किया जा रहा था सारी जगह पे आर्क वेल्डिंग में, वो किसकी बनी होती थी? सेम मटेरियल की। फिलर रॉड इज सेम मेटल ऑफ वर्क पीस, सेम मेटल की बनाई जाती थी। नेक्स्ट, इसका जो इस्तेमाल होता है वो फेरस एंड नॉन फेरस बोथ टाइप ऑफ मेटल, मतलब कि नॉन फेरस और नॉन फेरस दोनों ही टाइप के मेटल्स के लिए इस्तेमाल होता है। साथ में कॉपर एंड कॉपर और कॉपर की मिश्र धातुओं के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग्स के बारे में। फिगर की नीड अगर आपको लगती हो तो जनरली आपने देख रखा है सभी जगह पे सेम बना रखा है मैंने, एक मैं वर्कपीस हो गया, यहां से हमने एक बना दिया कार्बन की रॉड, ग्रेफाइट की रॉड, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए किसके साथ, एक होल्डर बना लीजिए इसी में, होल्डर, हैंडल, इसी में हमने सप्लाई दे दी, एक सप्लाई इधर दे दी इस तरीके से। एक्स्ट्रा फिलर रॉड हम यहां पे लगाएंगे, इससे हम गर्म करते रहेंगे, साथ में फिलर लगा लेंगे, गलाते चले जाएंगे। सेम प्रोसीजर, ये तो ज्यादातर चीजों में कॉमन है इसलिए बार बार इसको नहीं बना रहे हैं, आपको बनाना होगा बनाइएगा, नहीं जरूरत हो तो रहने दीजिएगा। कार्बन इलेक्ट्रोड, हैंडल, ये आपका क्लिप हो गया, क्लैंप, ये सप्लाई, वर्क पीस, फिलर रॉड। इतनी चीजें क्लियर हों तो अब नेक्स्ट आगे हम देखेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में। अब देखेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में है क्या। प्लाज्मा शब्द आ गया, आप जनरली सुने होंगे प्लाज्मा टीवी होती है, प्लाज्मा है क्या एक्चुअली? एक मैटर की, अगर कोई आपके पास मैटर है, इस मैटर की एक आयनाइज्ड स्टेट होती है, मतलब कि इसमें से आयनाइज कर दिया जाए इसको पूरी तरह से, इसमें चार्ज अवेलेबल हो, तो ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। मतलब पूरी तरह से वो मैटर आयनाइज हो तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो हम पहले तो यही समझते हैं, प्लाज्मा इज आयनाइज स्टेट ऑफ मैटर, पहला पॉइंट। अब आयनाइज्ड स्टेट है तो इसमें से, जब टीवी देखा होगा तो आपने अक्सर ध्यान दिया होगा, प्लाज्मा टीवी वगैरह का नाम सुना होगा, तो उसमें ब्लू ब्लू स्पॉट्स आते हैं, आपको ब्लू लाइंस दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि मान लीजिए ये फ्लेम हो, मान लीजिए ये फ्लेम हो, इस फ्लेम में ध्यान दीजिएगा, अब फ्लेम के साथ, इस फ्लेम के साथ यहां पे एक ये जो हीटिंग निकल रही है, जो आग निकल रही है, ये फायर कैसी हो? ब्लू स्टेट में हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा फॉर्म। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो यहीं से समझिएगा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बाद में, तो प्लाज्मा इज ए आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर, ये समझ में आ गया। तो अब जब इसकी टॉर्च बनाएंगे, प्लाज्मा टॉर्च जो लगाएंगे हम, प्लाज्मा टॉर्च इज अटैच्ड विद इन द वर्क पीस के साथ, वर्क पीस के साथ बिल्कुल ही ये क्या है? अटैच्ड है।
एक चीज और समझ में आ गया, प्लाज्मा आयनाइज स्टेट है, प्लाज्मा टॉर्च जो होती है वो पूरी पूरी वर्क पीस के साथ काम कर रही है। नाउ प्लाज्मा, प्लाज्मा की जो फायर बन रही है, प्लाज्मा फायर इज यूज्ड टू, किस काम करेंगे, हीटिंग पर्पस के लिए, यूज्ड टू हीट द वर्क पीस किस काम करेंगे, प्लाज्मा फायर इज यूज्ड टू हीट द वर्क पीस, इस वर्क पीस को हम गर्म करने का काम इसके थ्रू करेंगे। आगे समझिएगा, अब प्लाज्मा फायर आ गया, प्लाज्मा टॉर्च आ गया, प्लाज्मा आ गया, आखिर प्लाज्मा से वेल्डिंग हो कैसे रही है। जो प्लाज्मा फायर, हम मान लिए कि ये वर्क पीस है और ये प्लाज्मा टॉर्च है, प्लाज्मा फायर है, ये बिल्कुल इसके सट के, मतलब बिल्कुल पास से इसके होते हुए गुजर रही है। जैसे जैसे ये पास से जाएगी, इसको समझिएगा, इसके बिल्कुल पास से जैसे जैसे ये जाएगी, तो होगा क्या कि जैसे जैसे ये जा रही है, इसके बगल से ही हम क्या करेंगे, फिलर रॉड को, फिलर रॉड हमने सभी में इस्तेमाल कर रहे हैं आयरन वेल्डिंग में, फिलर रॉड को उसी के पास से गुजारते हुए चलेंगे, वो गर्म हो करके ठीक उसी में पिघल करके बैठता चला जाएगा जिस जगह हमको वेल्डिंग करनी है। अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तो इसी के आगे एक दो पॉइंट और हैं, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क पीस हो गया, टॉर्च हो गया, प्लाज्मा हो गया। नाउ फिलर रॉड ऑफ सेम मेटल इज यूज्ड, सेम मेटल की फिलर रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, गैस शील्डिंग गैस की जो शील्डिंग है वो किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि फायर जो है, मतलब इसकी जो आग है वो अगल बगल फैलने ना पाए, कॉन्सेंट्रेटेड होके निकले। गैस शील्डिंग इज यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट प्लाज्मा फायर, एक गैस शील्डिंग का भी हम इस्तेमाल करेंगे। गैस शील्डिंग का मतलब क्या है कि उसके एनवायरनमेंट में, आसपास के एरिया में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, एक गैस का प्रोटेक्शन उसके आसपास आके इकट्ठा हो जाए। गैस शील्डिंग का मतलब इतना ही होता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग अगर क्लियर हो तो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में। कार्बन में क्या देखा था, कार्बन आर्क लगाते समय कार्बन की इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, प्लाज्मा में प्लाज्मा की इलेक्ट्रोड्स प्लाज्मा टाइप से बनाया जा रहा था, इसमें क्या किया जा रहा है, मेटल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, मेटल इलेक्ट्रोड इज यूज, अभी तक जो हम बना रहे थे टंगस्टन का बना ले रहे थे, कार्बन का बना ले रहे थे, इस तरह से इलेक्ट्रोड्स बना रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम जो बनाने वाले हैं वो मेटल का ही इलेक्ट्रोड बनाएंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अगर मेटल के इलेक्ट्रोड्स बना रहे हैं तो याद रखिएगा ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स होंगे किस मटेरियल के, सेम मेटल ऑफ वर्कपीस। मेटल इज यूज्ड सेम एज वर्कपीस, इसी के कुछ नाम हैं, इसको हम कहते हैं मैनुअल, मेटेलिक आर्क,
वेल्डिंग, इसी का नाम है, इसी को हम कहते हैं शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग आपने पढ़ा था। ये दो टाइप्स के आ रहे थे, कोटेड इलेक्ट्रोड अनकोटेड इलेक्ट्रोड, कोटेड अनकोटेड। पहली वीडियो उठा के देख लीजिएगा, वहां पे इसको बताया गया है। ये दो टाइप्स में आ रहे थे, कोटेड और अनकोटेड। हमें इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है, तो इसलिए बस इतना जानेंगे कि कोटेड और अनकोटेड में मेन डिफरेंस क्या है। तो जान लीजिए, मेन डिफरेंस कोटेड इलेक्ट्रोड, कोटेड इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, सबसे ज्यादा कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है? प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन इज यूज्ड किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, फॉर प्रोटेक्शन। किस चीज से प्रोटेक्शन करनी है? ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है, जैसे मान लीजिए लोहे की हमने छड़ बना ली, लोहे का इलेक्ट्रोड बना लिया, तो लोहे का इलेक्ट्रोड जल्दी जल्दी जंग खाएगा कि नहीं खाएगा? उस जंग से उसे बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके ऊपर पेंट चढ़ा दें, किसी तरह से कोटिंग कर दें। इसी कोटिंग को कहा जाता है, इसी कोटिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रोटेक्शन के लिए, किससे? फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट पॉइंट, इसका इस्तेमाल, इट इज यूज फॉर बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई, एसी और डीसी एसी और डीसी दोनों तरह की सप्लाई से इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट क्या है अब इसको समझ लीजिए, खत्म ही है। लास्ट में अब यहां पे फिलर मेटल की इस्तेमाल होगी क्या? अगर हमने कह दिया जिस मेटल से हम वेल्डिंग कर रहे हैं वही मेटल हमने बना दी, इलेक्ट्रोड भी उसी मेटल का हमने बना दिया, वेल्डिंग करते समय उसी को पिघला भी रहे हैं, तो क्या अब फिलर रॉड की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो यहां पे फिलर रॉड लगाएं चाहे ना लगाएं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। होगा क्या अब? लास्ट पॉइंट, इसको फिगर समझ लीजिएगा, बस थोड़ा सा वैसे ही है जैसे सेम बन रहा था अभी तक। ये मेटल पीस है, यहां से क्रैक हो गया, इस जगह आपको भरना है। मैंने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये इलेक्ट्रोड एक क्लिप के थ्रू ये क्लिप के है, इसके थ्रू यहां पे कनेक्टेड है। सेम एज इसके पहले जैसे बना रखा था, ये हैंडल हो गया, यहां से सप्लाई दे दिए, एक सप्लाई इधर दे दिए, दोनों जगह पे सप्लाई दे दिए, सेम मेटल का इलेक्ट्रोड हो गया, सेम मेटल पीस का जिसका वर्क पीस हमारा है, इलेक्ट्रोड हो गया, सॉरी हैंडल हो गया, क्लिप हो गया, यही इलेक्ट्रोड का काम करेगा, यहां पे हमने सप्लाई दे दी, सेम एज प्रीवियस। इसके आगे हमें पढ़ना है इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में। आगे बढ़ें उससे पहले जानेंगे कि अगर आपकी लाइफ में बार बार हार्डल्स, बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। रुकावटें उन्हीं रास्तों पे होती हैं जो रास्ता सही दिशा में मंजिल की ओर ले जाता है।
जिस रास्ते पे शॉर्टकट मार के आप भले जल्दी पहुंच जाएं, आगे पहुंच जाएं, लेकिन वो स्टेबिलिटी, वो लाइफ टाइम के लिए सक्सेस नहीं होता। वो सक्सेस कुछ ही समय का होता है, जो आपको थोड़ी खुशी के बाद निराशा दे सकता है। इसलिए कभी भी आप फेल हो रहे हो, एग्जाम में फेल हो रहे हो, लाइफ में फेल हो रहे हो, आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा रुकावटें मेरे साथ हैं, तो इसको पॉजिटिव लीजिए। इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पे आगे चल रहे हैं। इम्तहान उसी का होता है जो उसके काबिल होता है। इम्तहान से वो भाग जाता है जो लाइफ में कुछ भी नहीं पाता है। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।